नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार, इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो जो है एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पे है। मुझे उम्मीद और आशा है कि ये वीडियो आपकी जिंदगी में बहुत सारे परिवर्तन लेकर आएगा, बहुत कुछ सीखने और समझने का मौका देगा। बस इस वीडियो को अगर ओपन कर लिए हैं तो तब तक बंद मत कीजिए जब तक ये वीडियो समाप्त ना हो जाए, और अगर हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, आते हैं मुद्दे पे। अक्सर कई बार हम एक ही बात आपसे करते हैं शेयर, और कभी हम आपसे संवेदना नहीं हासिल करना चाहते हैं। ऑनेस्टी, जितनी बातें इसमें बोलूंगा, प्रॉमिस, गॉड प्रॉमिस, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। आपको लगे तो ये आपकी प्रॉब्लम है। मैं एक बात हमेशा हमेशा आपको बोलता हूं कि मैंने इस महासंग्राम में, बीपीएससी आंदोलन में अपना आंग गवा दिया, उसका मुझे कोई गम नहीं है। जिसको गम होता हमारे परिवार वाले को, वो रोते हैं, बिलखते हैं, बुरा भला या जितना भी जो मुझे कोसना होता कोसते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हां, कभी तो फर्क पड़ता है। हर रात परेशानी सताती है मुझे, नो डाउट है, ईमानदारी से कहता हूं। लास्ट में जब बैठता हूं तो मैं सोचता हूं, मैंने ये किया क्यों, ये करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, इसका जवाब आज तक निकल के बाहर नहीं आ पाया। लेकिन मैं ये हर दिन आपको याद दिलवाता हूं। मैंने जीवन पर्यंत आपको कहा हूं कि अगर मेरे नाम से कहीं से भी कोई भी एक रुपया भी मांग रहा है तो समझ लेना वो सुजीत सर का कोई परिवार नहीं है। कभी नहीं मांग सकता हूं मैं, चाहे मैं सड़क पे क्यों ना चलाऊं, भीख मांगना क्यों ना पड़ जाए, लेकिन आपसे जीवन पर्यंत नहीं मांगूंगा। यह मैं आपसे वादा करता हूं, आपकी नजर से नजर मिला के सही बता रहा हूं। ये कभी मत सोचिएगा कि ऐसे करके संवेदना लेके हम आपसे पैसा मांगे। हां, पैसा लेंगे अपनी मेहनत का, हां मेहनत का पैसा लेंगे, उससे एक पैसा ज्यादा नहीं लेंगे। ये मैं आपसे सर झुका के वादा करता हूं। लेकिन बार बार जो आंख वाली बात बोलता हूं, आज भी अगर यकीन नहीं है तो आप मेरी आंख देख सकते हैं, देखिए क्या हालत में पहुंची हुई आंख। खैर छोड़िए, आपको क्या बताना है, आप भी समझदार हैं, लेकिन कुछ लोगों को लगता है ऐसा है तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूं। दूसरी बात, यहां से ये वाला पोर्शन बहुत दर्द करता है, और इसकी गॉड प्रॉमिस टच तक करने में जान चली जाती है। पिछले 3 दिन से हिस्ट्री की क्लासेस बंद है, हिस्ट्री ऑप्शन की क्लासेस 3 दिन से। जब से हिस्ट्री स्टार्ट हुआ है, 10 तारीख से स्टार्ट हुआ, 10 अक्टूबर से, एक दिन भी छुट्टी नहीं है। आप मेरे किसी भी बच्चे से पूछ लीजिए, एक दिन भी छुट्टी नहीं है। ये 3 दिन ऐसा लाचार हो गया, अभी भी बोल रहा हूं ना, पूरा दर्द कर रहा, पूरा सच बता रहा हूं, लेकिन बोलना मजबूरी है। एक मुद्दा को लेकर आपके सामने आया, इसलिए मुझे मजबूरी है कि मैं आपको बताऊं, समझाऊं। अब बताइए, इसको लेकर अलग से परेशान रहता हूं कि ये मेरी रोजी रोटी का सवाल है। इसी आवाज पे मुझे दुनिया जानती है, इसी आवाज पे मुझे दो वक्त का रोटी मिलेगा, इसी आवाज पे मैं किसी गांव में गरीब के घर में एक छोटे से बच्चे ने जो सपना पाला है उसके सपने को पूरा करता हूं, इसी आवाज पे थोड़ा बहुत गुनगुना लेता हूं, इसी आवाज पे मेरी अपनी पहचान है, मेरी अपनी विरासत है, मेरी अपनी आगे आने वाला अतीत है, भविष्य है, सारा चीज इसी आवाज पे टिका हुआ। आज ये आवाज भी साथ देने से भाग रहा है। सोचिए कितनी तकलीफ है, कितना दर्द है, अंदाजा आप लगा के फील कर सकते हैं। खैर छोड़िए, आते हैं लौट के अपने रियल मुद्दे पे। दोस्तों, ये जो आप कॉपी देख रहे हैं, हालांकि मैंने कल भी आपको दिखाया, आप देख रहे हैं कुछ कॉपी चेक हुई है, आधा कॉपी चेक हो चुकी है, आधा देख लीजिए। आप देखेंगे अगर साफ से दिख रहा होगा तो सब में मार्किंग किया हुआ है, कॉपी आधा ही हुआ है। 50 कॉपी है, 50 में मुश्किल से लगता है कि 30-32 कॉपी मैंने चेक किया हूं। मैंने 50 कॉपी बताया, और यहां पे मैं कुछ भी नहीं बोलने वाला हूं। मैं जो बोलूंगा विश्वास के साथ में बोलता हूं, ईमानदारी से रखूंगा। मॉर्निंग और इवनिंग दोनों बैच मिला के, जो हिस्ट्री ऑप्शनल की बात कर रहा हूं, जो चल रहा है, 100+ स्टूडेंट है। सिर्फ 67 वाला, 68 छोड़ दीजिए, 68 को हटा दीजिए, 67 में 100 स्टूडेंट है हिस्ट्री ऑप्शन में, और इतना ही बच्चा हमारा ऑनलाइन में है, यानी 200+ स्टूडेंट है। अब तनिक सोचिए, कॉपी हमारे पास जो आया है वो मात्र 50 कॉपी आया, आना चाहिए 100। ये कहां है बच्चे, कहां गए हैं, कौन सी दुनिया में सोए हुए हैं, क्या इनकी भी
अंदर से जमीर कहती होगी ना मुझे एसडीएम बनना सुजीत साहब, मैं एसडीएम बनने के लिए कुछ भी छोड़ने के लिए तैयार हूं। ये कहां है, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। और मैं इस वीडियो के माध्यम से उन सारे बच्चों को बता देता हूं जो टेस्ट नहीं देंगे ना वो सुजीत सर की क्लास में आके कभी नहीं बैठे। जो लोग टेस्ट दिए हैं वही बैठेंगे, 10 बैठेंगे तो 10 को मैं पढ़ाऊंगा, मुझे नहीं चाहिए 100। भीड़ नहीं लगाना, अगर आप पढ़ेंगे तभी आप हमारी क्लास में बैठिए। हो सकता है मेरी वाणी हल्की सी टाइट लगे लेकिन रियलिटी यही है। आप जहां भी हैं जिस हालात में हैं वहीं बैठे रहिए, वहीं सोइए, वहीं खाइए, वहीं जो करना है कीजिए, रात भर गप्पे मारिए, बाबू नूनू सोना तोता एयरटेल जियो से बात कीजिए, लेकिन मेरे क्लास में मत आइएगा क्योंकि मैं अपने क्लास में आपको बाहर भेजा दूंगा, भगा दूंगा क्लास में, और फिर जाके YouTube पे बुरा भला आप हमको बोलना कोई फर्क नहीं पड़ता। आज आप देखते हैं बुरा भला बोलते हुए, आपको भी तकलीफ रहता, ऐसी सी बात है, क्यों ना तकलीफ आपको लग रहा, मैं गलत क्या करता हूं? जो स्टूडेंट पढ़ता नहीं है उसको मैं क्यों संस्था में जगह दूं? मैं भगा देता हूं, चाहे पेमेंट रहे या ना रहे। ठीक है आप पेमेंट किया तो उससे क्या हुआ, जब आप पढ़ नहीं रहे तो क्यों समय अपना बर्बाद करें मेरे साथ में? बात करवाओ अपने पापा से, कॉन्फ्रेंस में लो, कॉन्फ्रेंस में लो और यहां से निकलो। और मैं सीधा एक लाइन में कहता हूं, चाचा जी आपका बेटा नहीं पास करेगा, ले जाओ यहां से, आपको यकीन नहीं होता है। आंटी आपकी बेटी नहीं पास करने वाली है, ले जाओ यहां से, कल मुझे कोसना मत, मत कोसना मुझे, क्योंकि मेरे अंदर इतनी पावर नहीं है कि मैं इसे पास करवा सकूं, लेकिन मेरे अंदर इतनी पावर है कि मैं सही रास्ता दिखा सकता हूं इसको। लेकिन ये मेरे पास चल के आएंगे तब तो, क्या कुआं प्यासे के पास जाता है या प्यासा कुआं के पास आता है? ये हालात है, मैं रात रात भर जग जग के इनको समय पे कॉपी देता हूं, डेली टेस्ट लेता हूं, और ये आती नहीं है। क्या फायदा एडमिशन लेने से पहले, एडमिशन लेने से पहले आपको यकीन नहीं होगा मैं इकलौता ऐसा इंसान हूं, मैं पहले बोल देता हूं अगर आप मेरे क्लास में कंटिन्यू रहिएगा तब एडमिशन लीजिए, नहीं तो किसी दूसरे संस्था का दरवाजा खटखटाइए। आपको यकीन नहीं होगा, आप कभी मेरे संस्था में आकर देखिए। ऐसे मजाक में कोई एसडीएम डीएसपी नहीं बनता, लोग सिर्फ मेरा मजाक उड़ाएंगे कि आप ही बोलते थे एसडीएम डीएसपी से नीचे सोचते नहीं है और आपका बच्चा वो लायक है ही नहीं है। आज से मैंने ये निर्णय ले लिया हूं कि जो टेस्ट देंगे जिनमें परिवर्तन दिखेगा वो मेरे दिल के करीब रहेंगे, कंटिन्यू मैं उनसे कनेक्ट में रहूंगा, व्हाट्सएप से लेके यूट्यूब से लेके कॉलिंग तक। जिनमें कोई परिवर्तन नहीं दिखेगा वो अपने घर चले जाएंगे, उनको सियोर सक्सेस जगह नहीं देगा, नहीं देगा। आप लोगों ने मजाक बनाकर रख दिया है, सुजीत सर ऑनलाइन दे दीजिए ये स्थिति है, सुजीत सर ऑनलाइन ये दे दीजिए, समय नहीं है। क्यों नहीं समय है भाई, क्यों नहीं समय है? आपको टेस्ट देने के लिए समय नहीं है, फिर आपको आने का कोई हक नहीं है। अरे पढ़ा तो कोई भी देगा पटना में, जहां जो टीचर है सब इतिहास पढ़ाएगा, लेकिन असली मजा तो तब आता जब आपको लिखने आ जाए, जब टेस्ट देने के लिए डरे नहीं, तब ना मजा आता है। आप तनिक सोच के देखिए आपकी जिंदगी जा कहां रही है, आप मजाक कर रहे हैं, कल गांव वाले ताना आपको देगा। और जब ये बातें आपको बोलते हैं तो आप खुन्नस निकालने के लिए आप YouTube पे जाके मुझे बुरा भला बोलते हैं, क्या फर्क पड़ता बुरा भला बोलने से मुझे? और अगर आपका यही है स्थिति तो मैं दिल से कहता हूं आप यहां समय बर्बाद कर रहे हैं, आप किसी दूसरे फील्ड में या किसी दूसरे कोचिंग की तरफ दौड़िए जहां पे पूरा एंजॉय करवाता है। हां सही बताता हूं आपको, हो सकता है कि मैं गर्व के थ्रू बोल रहा हूं, बल्कि गर्व से कुछ नहीं बोल रहा हूं, मैं विश्वास के साथ बोल रहा हूं, क्योंकि रिजल्ट चाहिए मुझे भी और आपके मम्मी पापा को भी। जिस समय पैसा देते हैं ना आपको यकीन नहीं होगा मैं कैसे बताऊं, ऐसे हाथ जोड़ते हैं, सुजीत सर मेरी औलाद है, बस आप ही हैं, मैं पकड़ लेता हूं हाथ, ना चाचा जी हाथ मत जोड़िए, आप मेरे बाबूजी जैसे हैं और मैं एक आपका बेटा जैसा हूं, ऐसे मत कीजिए। लेकिन यकीन मानिए मैं ईमानदारी से आपके बच्चों के साथ जितना मैं दे सकता हूं जरूर दूंगा। आपको बताऊं, आपको सुन के आपकी धड़कन हिल जाएगी, 20,000 फीस है हिस्ट्री ऑप्शन की, वन टाइम पेमेंट है। अब तनिक सोचिए कोई इंसान 20,000 गांव में बैठ के महीने में नहीं कमाता है, फिर भी वहां से बाबूजी
एटीएम में लगाते हैं, बैंक में डालते हैं और यहां फटाक से खींच लेते हैं और लाके सुजीत सर को दे देते। जब पढ़ते नहीं हो तो लाने का क्या मतलब है? क्यों ऐसा पैसा लाके दे रहे हो कोचिंग में? फिर तो उसको लो, बैठो, मजा करो, बउआ नूनू सोना तोता ये वो सबके साथ में मजा लेके लूटो। ये गलत है, ये गलत है। जो अपने मां बाप के साथ में धोखा देता है ना, जिंदगी उसको खून के आंसू रुलाता है। जहां कहो मैं लिख के दे देता हूं। जो अपने मां बाप के साथ में ईमानदार नहीं है ना, वो जीवन में सक्सेस का तहलीज पे देखना तो दूर की बात है, पहुंचना भी असंभव है। इसलिए इस बात को कान खोल के सुन लीजिए। आपको लगे कि मैं बद्दुआ दे रहा हूं तो हां, ये बद्दुआ है। इसलिए अपने मां बाप के प्रति ईमानदार रहिए। ये एक बार मिलते हैं, पृथ्वी का दूसरा भगवान है, बड़ी उम्मीद और आशा है तुमसे। 9 महीने गर्भ में रह के अपने खून से सींच के इस दुनिया में लाई है तुमको। थोड़ा तो सर्व कर लिया करो, अगर यहां बचा हुआ है तो थोड़ा करो सर्व। अब रिजल्ट नहीं दोगी तो कब दोगी? अब तो पूरी दुनिया रिजल्ट दे दिया है, तुम्हारा नंबर आएगा या लौट के चली जाओगी, सोचना तुमको है। मेरा तो ऐसे भी वक्त जा चुका है, लेकिन एक बार शांत होकर सोचना, मैं गलत बोल रहा हूं या सही बोल रहा हूं। अगर आप मेरे साथ जुड़िएगा तो न मैं जीऊंगा न मैं तुझे जीने दूंगा। मैं भी जितनी रात जगूंगा उतनी रात आपको भी तड़पा के रख दूंगा, क्योंकि मुझे किसी भी हालत में एसडीएम वाली सीट चाहिए। इसके लिए चाहे आसमान चीरना पड़े या जमीन फाड़ना पड़े, मैं फाड़ने के लिए तैयार हूं, हर चीज आपको देने के लिए तैयार हूं, बस रिजल्ट चाहिए किसी भी हालत में। क्योंकि हमारी पहचान सुनामी गुरु से नहीं है, हमारी पहचान आपकी सक्सेस है, सोचना आपको है। चलो मेरे बारे में सोचो या ना सोचो, मुझे बुरा भला बोलो, अपने मां बाप के लिए थोड़ा वक्त निकालो, सोचो। बड़ी मेहनत से पैसा देते हैं, इनके पैसे की कद्र करो, इनकी आशा आकांक्षाओं को जिंदा रखो, इनके उम्मीद पे खड़े उतरने के लिए जान भी लगा दो। जय हिंद, जय भारत।